एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रश्मि। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी आज है क्या, आज कौन सा डे है, आज है फ्राइडे, 1 मार्च है आज। और काम मेरा सारा खत्म हो चुका, साफ सफाई का सब काम खत्म। और अब मैं आई हूँ यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी शक्ल देखने, क्योंकि जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना, तब तक मेरा कुछ भी ऐसे अपनी शक्ल पर कुछ भी मेकअप वगैरह करने का मन नहीं करता है। जब एक बार काम खत्म हो जाता है फिर लगता है कि चलो अब अपने फेस की भी देखभाल की जाए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बस अब फ्री होकर मैं लगी हूँ अपनी अपने फेस को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। ऐसा तो कोई खास मैं मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, वैसे आपको पता है, आप मुझे देखते भी होंगे। तो बस यही है कि थोड़ा मेरा जो डेली का मेकअप होता है, बस काजल लगा लेती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मेरा मेकअप हो गया। तो बस वही कर रही हूँ अभी। तो मुझे ना वैसे भी बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, एक तो मुझे आता ही नहीं है करना, पहली बात ये है। और अगर मतलब करती भी हूं तो मुझे थोड़ा सा अपना फेस बहुत मतलब कहना चाहिए कि अजीब सा लगने लग जाता है। तो ज्यादा मैं फाउंडेशन वगैरह भी अपने फेस पर नहीं लगाती हूँ, रेयरली लगाती हूँ। जैसे कोई पार्टी वगैरह है या फिर कोई फंक्शन हो या फिर वो शादी पार्टी वाले जो फंक्शन होते हैं वो हो तो मैं लगाती हूँ, नहीं तो मैं वो भी नहीं लगाती हूँ। और तो आजकल क्या करती हूँ मैं, जैसे मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लो अपनी स्किन पर, बस यही करती हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब मैं बस काजल लगा रही हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा लूंगी, मेरा मेकअप खत्म हो जाएगा बस। उससे ज्यादा मुझे और कुछ करना आता नहीं और मैं करती भी नहीं हूँ वैसे। कोई मेकअप कर रहा होता है उसको देखना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बस हल्की सी लिपस्टिक। बस यही है मेरा मेकअप। और अब तभी आने वाली एग्जाम्स, उसके जैसे अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज 1 मार्च है, आज भी उसका एग्जाम है, तो 2 बजे तक आ जाएगी वो। और फिर मैं खाना वाना बनाने की तैयारी शुरू करूंगी। और बस आजकल जल्दी आती है, क्योंकि वैसे तो 4 बजे आती है लेकिन अब 2 बजे आने लगेगी, थोड़ी जल्दी छुट्टी होती है एग्जाम टाइम में। तो बस अब मैं बैठ गई हूँ और अभी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख रही हूँ। और मेरा एक वीडियो, क्योंकि अभी तवीशी के एग्जाम चल रहे हैं तो ऐसा होता है कि एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने कब बनाया था वो वेडनेसडे को बनाया हुआ था और अब तक उसकी एडिटिंग नहीं की है, वो भी एडिटिंग करनी है, शाम तक उसको कर दूंगी और सोच रही हूँ उसको अपलोड कर दूं। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कौन सा वीडियो कब बनाया है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो ना बहुत पहले ही बना के रखे हुए हैं तो उनको भी मैं अपलोड करती जा रही हूँ। तवीशी के एग्जाम टाइम में थोड़ा सा उसके साथ रहती हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाने लग जाऊंगी तो फिर ऐसा होता है कि वो फिर अकेलापन फील करती है, और जब वो पढ़ रही है वो मेरे रूम में बैठ के पढ़ती है तो फिर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर वो डिस्टर्ब होगी। तो कुछ वीडियोस मैंने पहले से ही बना के रख रखे हैं, वो भी अब मैं शेयर करती रहूंगी बीच बीच में, इसलिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कब कब के ब्लॉग डाल रही है, लेकिन करूंगी, चलो जैसे जैसे होता रहेगा कोशिश करूंगी एकदम से लेटेस्ट आपको वीडियोस शायद अभी कुछ दिन ना देखने को मिले। और पता है अब हो गई है शाम, 7 बज रहे हैं और मैंने आपसे 1 बजे के आसपास बात की थी, तभी हाय हेलो हुई थी और उसके बाद अब कर रही हूँ। और वो भी क्यों, क्योंकि तवीशी आ गई थी आज 2 बजे स्कूल से, क्योंकि उसके एग्जाम्स है मैंने बताया, तो थोड़ा जल्दी आ जाती है वो। और उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया और हम लोग फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, तवीशी को भी मैंने बोला कि तवीशी ऐसा करते हैं कि तू भी स्कूल से आई हुई है, थकी हुई है तो तू सो जा, और मैं भी सो गई। तो तवीशी तो उठ गई 1 घंटे बाद ही, और मुझे लगा था कि मैं भी मतलब 45 मिनट्स तक ही सोऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सोऊंगी और फिर क्या होगा उठ जाऊंगी। और मैं 4 बजे सोई हूँ और मेरी आंख पता है 7 बजे खुली है, इतना लंबा सोई हूँ, इतनी गहरी नींद मुझे पता ही नहीं चला 4 से 7 कब बज गए, वो भी अचानक से जब आंख खुली तो देखा आसपास अंधेरा सा हो रहा है इधर उधर, तब मैं उठ के फटाफट फिर लाइट वगैरह ऑन की। मतलब पता नहीं कितने सालों बाद मैं इतनी गहरी नींद सोई हूँगी, वो भी दिन में, और लेकिन फ्रेश बहुत फील कर रही हूँ। ऐसा मतलब बहुत ही रेयर होता है कि दिन में कोई इतना लंबा सो जाए और फिर अच्छा भी लगे, तो बस पर अच्छा लग रहा है, आज तो हद ही कर दी मैंने।
और मैंने पहना हुआ ये एक और स्वेटर, जैसे मेरे पास फिरोजी कलर का एक मैंने आपको दिखाया था, आप लोगों को बहुत पसंद आता है, आप कॉम्प्लीमेंट करते हो कि ये फिरोजी जो कार्डिगन है आपका अच्छा लगता है, ऐसे ही मेरा ये पर्पल है, ये दोनों मैंने साथ में लिए थे तो आज मैंने ये पर्पल पहना हुआ है ऐसा, ये भी अच्छा लगता है। हल्की सी सर्दी होती है ना तब ऐसे मैं स्वेटर डाल लेती हूँ तो मुझे ठीक लगता है। और वैसे पता क्या होता है, जब ये वाला मौसम है ना, जब जा रही होती है सर्दी, तो सर्दी ना सिर्फ हाथों के आसपास मुझे ऐसा फील होता है कि बस हाथों पे लग रही है, तो ऊपर से ऐसे कार्डिगन डाल लो बस उसी से आराम मिल जाता है। और वैसे भी आजकल की जो ठंड है वो क्या होती है, तो सुबह होती है और या फिर शाम को होती है, दिन में ठंड नहीं महसूस होती है, तो बस फिर ऐसे हल्के से स्वेटर इस वक्त काम आते हैं। सर्दियों में ज्यादा ठंड में तो ये पहने नहीं जाते, लेकिन हल्की ठंड के लिए काफी हैं ये। और एक कार्डिगन मेरी मम्मी ने भी बनाया हुआ है, तो वो भी मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा भी होगा कि व्हाइट कलर का है, एक दो वीडियोज में भी आपने देखा होगा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हल्की सर्दी के लिए। और जैसे मैंने बताया मैं अभी सो रही थी तो बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए, तो अभी तो बाहर से कपड़े लेकर आई हूँ वो तय करूंगी, और उसके बाद अब क्योंकि 7 से 7:30 होने वाले हैं और फिर खाने वगैरह की भी तैयारी करूंगी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी लेट। आजकल आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी मम्मियों के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि हमारे बच्चों के तो खत्म हो गए, हम फ्री हो गए, और कुछ लोग बोल रहे हैं अभी चल रहे हैं एग्जाम्स, तो जिन लोगों के बच्चों के खत्म हो गए ना, और वो बताते हैं हम फ्री हो गए, हम तो आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा, इतनी ज्यादा बेचैनी सी हो रही है ना, बस ये दिन 10-15 दिन है ना खत्म हो जाए जल्दी से एग्जाम और फिर हम फ्री हो। और सबसे बड़ी बात ये है, जब इसके एग्जाम्स होते हैं ना तभी के, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आती हैं, अरे ये भी करना है, मुझे ये भी लाना है, एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मैं मार्केट जाऊंगी, ये वाला सामान लाऊंगी, वो वाला सामान लाऊंगी, तो ऐसे चलता रहता है। और अभी कुछ दिनों में मेरी छोटी बहन जो है, जिसको मैंने बताया था कि उसका छोटा सा अभी बेबी है, आप लोग बोल रहे थे कि उसको दिखाओ, तो वो भी मेरे घर के पास ही सोसाइटी में ही शिफ्ट हो गई है, तो वो भी फिर जैसे इसके एग्जाम्स खत्म होंगे तभी के फिर हम लोग आपस में मिलेंगे, शायद आपको एक और मेंबर मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाए मेरी फैमिली का, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तविशी होती है, मैं होती हूँ या कभी कभी मेरी मम्मी दिख जाती हैं, और हल्की फुल्की मेरे हस्बैंड की चोरी चोरी जो झलक मैं दिखा देती हूँ सिर्फ वो ही दिखे होंगे आपको, तो अब वो छोटी सिस्टर आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम दोनों वैसे उसमें और मुझमें आप यकीन नहीं करोगे 9 साल का डिफरेंस है, 9 साल छोटी है वो मुझसे, तो लेकिन वो बिल्कुल मेरी फ्रेंड जैसी है, और ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि वो मेरे से फोन पर बात ना करे, वो जरूर करती है चाहे मैं कितनी भी बिजी हूं, लेकिन वो कभी ना कभी किसी भी वक्त एक बार तो जरूर फोन कर लेती है, कह रही दीदी मेरे, कहती है कि दीदी मेरे ना आपके बगैर बात करे बगैर मेरे ना बेचैनी सी रहती है, जब तक आपसे बात ना कर लूं तो मजा नहीं आता, तो ये वाली बहनों वाली जो बॉन्डिंग होती है ना ये बहुत ही अच्छी होती है, मतलब इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई दोस्त इतना अच्छा नहीं होता, कोई भी इतना अच्छा नहीं होता जितना दो बहनों वाला रिलेशनशिप है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल से दो बहनें जो जितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है ना, इतना कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनसे अपनी हर तरह की बातें शेयर कर लेते हैं जो हम दूसरों से अपनी फ्रेंड से नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अपनी कोई घर की बात अपने दोस्तों से शेयर करें तो कई बार तो होता है कि भाई दोस्त अच्छे होते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं चीजों का मजाक उड़ जाता है, तो इसीलिए वो मुझसे अपनी बात शेयर करती है और मैं उससे अपनी बात शेयर करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही जॉली नेचर है उसका, तो शायद आगे के ब्लॉग आपको और इंटरेस्टिंग लगे, मजा आएगा जब आप हमारी दोनों की बॉन्डिंग देखेंगे, हमारी बातें देखेंगे। बस अब तो मैं वेट कर रही हूँ तभी के एग्जाम्स खत्म हो, फिर वो भी मेरे साथ ब्लॉग्स में आए और थोड़े से एंटरटेनिंग हो जाए ब्लॉग, तो बस यही एक छोटा सा ब्लॉग है छोटी छोटी बातों वाला। और अभी तो तभी बैठ के पढ़ाई कर रही है और अब उसका मैथ्स का एग्जाम है, और मैथ्स का उसका एग्जाम कब है तविशी, आपका मैथ्स का एग्जाम कब है? 6th को। हाँ 6th को उसका एग्जाम है, तो अभी उसी की प्रैक्टिस कर रही है, थोड़ी बहुत मैं हेल्प करा देती हूँ, बाकी वो खुद कर लेती है, और चलता रहेगा अभी एक के बाद एग्जाम्स है ही। और इसके बाद जो मुझे सबसे डरावना एग्जाम लगता है तविशी का वो हिंदी का है, तो सॉरी तो हिंदी वाला जो एग्जाम है वो भी थोड़ा सा मुझे बेकार लगता है उसके लिए, क्योंकि स्पेलिंग्स वाली जो प्रॉब्लम आती है ना उसको, स्पेलिंग्स बहुत गलत लिखती है, बहुत ही ज्यादा, कितनी भी प्रैक्टिस करा लो लेकिन स्पेलिंग में पता नहीं क्या हो जाता है उसको, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है। बस अब तो जल्दी से ये काम खत्म हो जाए एग्जाम्स वाला, तब जाके आराम मिलेगा, अभी तो अजीब सी लगती है लाइफ,
और ना कहीं बाहर आना जाना भी नहीं होता इस वक्त, क्योंकि कहीं जाना है ही नहीं, मैं एग्जाम्स है तो इसके आसपास ही रहती हूँ। कहीं दूर जैसे किसी से मिल लो या कुछ कर लो, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लो अपनी फ्रेंड्स के साथ, या उनसे फोन पे बात कर लो, वो भी नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो और उसको अगर बीच में कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको मैं बताती हूँ कि ये तुम ऐसा कर लो। इसलिए क्या होता है, बहुत बोरिंग से डेज हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में मैं एक चीज कर लेती हूँ, जैसे मैं ऐसे कभी बोर फील कर रही हूँ और मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैं नीचे जाती हूँ मार्केट में, तो भले ही मैं 5 रुपए की का धनिया ही लेकर आ जाऊं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ उससे ना थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ। मुझे लगता है थोड़ी सी बाहर निकल गए और थोड़ा सा मार्केट चले गए तो ना मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए ना मतलब एक थेरेपी का काम करता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने हाँ खुली हवा में सांस ली और फिर मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अभी दोपहर को तविशी जब तक आई नहीं थी तो फिर मैंने सोचा था कि मैं तब चली जाऊंगी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। अब मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी देर बाद जाऊं और फिर वहां से थोड़ा बहुत मुझे सामान लाना है, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लाने हैं, वो ले आऊंगी, मुझे शायद थोड़ा सा ठीक लगे, क्योंकि आजकल बोरिंग बोरिंग से डेज हैं। एक तो दिन इतने लंबे हो जाते हैं ना आजकल, खत्म ही नहीं होते, अभी दिन काटना मुश्किल हो जाता है, रोशनी इतनी देर तक आती रहती है, 6 बजे तक 7 बजे तक, तो ऐसा लगता है आज दिन कितना बड़ा हो गया, आजकल खत्म ही नहीं हो रहा। जबकि सर्दियों में तो झट से 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, लगता है अब रात हो गई, बस अब थोड़ा सा खाना खाएंगे और बस फिर सो जाएंगे। लेकिन ये विंटर, ये जो समर्स वाला टाइम है, इसमें दिन इतने बड़े बड़े लगते हैं कि लगता है कि कितने बोरिंग से दिन हो गए हैं ये। कभी कभी देखो तो कितना सूनापन सा भी लगता है कभी कभी, कि कैसा एकदम खाली खाली सा दिन है ये। तो ऐसा चलता है अभी थोड़े, शायद सर्दी से एकदम से गर्मियों में जैसे हम क्या एंटर करते हैं ना, तो छोटे दिन और फिर बड़े दिन में जो डिफरेंस होता है वो हम थोड़ा सा हमें अखरता है तो हम वो चीज फील करते हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से कुर्तियां मंगाई हैं। मैं आपको बता भी रही थी कि मैं माइंत्रा से मंगाऊंगी या फिर मैं सर्च करती हूँ तो जहां से भी मुझे ठीक लगता है वहां से मैं ले लेती हूँ किसी भी साइट से। तो मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने देखी थी तो मुझे अपने हिसाब से अपने बजट में जो डेली वेयर के हिसाब से कुर्तियां अच्छी लगी तो वो मैंने मंगाई है। तो आप 2 कुर्तियां मंगाई है वैसे तो मैंने, तो उनका भी मैं हॉल करूंगी अभी आगे आने वाले वीडियोज में, आप देखिएगा जरूर। और दोनों ही कुर्तियां मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और एक है पिंक कलर की और एक है ब्लैक कलर की, और दोनों ही 500 की रेंज में है, तो वो हॉल भी आप जल्दी ही आगे आने वाले वीडियोस में देखिएगा। तो और मुझे बताना कि कैसी लगी आपको, और शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि इतने कम प्राइस में अगर कोई अच्छी सी कुर्ती मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बस मुझे अभी मैंने पहनी भी नहीं है वो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले वो हॉल आ जाए, जब मैं वो कर दूं अपलोड कर दूं उसके बाद फिर मैं उनको पहनना शुरू करूंगी, नहीं तो फिर वो जो सरप्राइज है वो आपको दिखाने वाला कुर्तियों का वो रह जाएगा। फिर एक बार जब पहले हॉल आप देख लेंगे ना फिर उसके बाद सही रहेगा, फिर उसके बाद फिर मैं पहनना स्टार्ट कर दूंगी। और वैसे भी जैसे ही कोई ड्रेस वगैरह आती है, मैं कोई भी कुर्तियां या कुछ भी लेती हूँ तो एक बार उनको ना साफ पानी में एक बार निकाल के उनको धोने के बाद ही पहनती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने ऑनलाइन कोई एक स्वेटर कार्डिगन मंगाया था जो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने उसको बिना वॉश किए पहन लिया और मेरे साथ फिर क्या दिक्कत हो गई थी, मेरी पूरी स्किन पर रैशेज हो गए थे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत ही मुश्किलों से मेरे को 1 से 2 महीने लगे थे पूरा ठीक होने में। इसलिए अक्सर मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप अगर मार्केट से कोई भी अगर कपड़ा लेकर आ रहे हैं या ऑनलाइन भी आपने मंगाया है तो उसको एक बार पानी में निकाल के उसको धूप में सुखा दें फिर ही पहने। मतलब ये मेरा टिप है आपको, अगर आप नहीं करते हैं तो इस चीज को जरूर कीजिएगा। और मेरी मम्मी तो हमेशा ही ये बात बोलती हैं कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बाहर से कोई कपड़ा अगर आप खरीद रहे हैं या फिर आपने कोई कपड़ा स्टिचिंग वगैरह कराई है किसी भी ड्रेस की तो उसको एक बार धोएं और उसके बाद ही पहने। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम धो नहीं सकते हैं, जैसे हमने कोई लहंगा वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज किसी पार्टी वगैरह के लिए लिया है, तो फिर मैं क्या करती हूँ उनको उल्टा करती हूँ और बाहर धूप में ना थोड़ी देर डाल देती हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, अच्छी सी तेज सी धूप लग जाती है उसको तो फिर वो भी ठीक हो जाते हैं कपड़े ऐसे। लेकिन एकदम डायरेक्ट ऐसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ तो मुझे लगा कि मैं आपको भी बता दूं, मैंने एक बार ऐसी गलती करी थी और मैंने उसी वक्त भुगत लिया था। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, और बातों वाला ही ब्लॉग था क्योंकि मैंने बताया है कि अभी तविशी के एग्जाम्स है, डेली मैं रेसिपीज और डेली क्लीनिंग टिप्स वगैरह ये सब नहीं शेयर करूंगी क्योंकि कुछ दिन बिजी चल रहे हैं। तो सॉरी उन लोगों के लिए जो मेरे क्लीनिंग टिप्स देख रहे हैं या मेरे किचन वाली कुकिंग वाली चीजें देखते हैं। और
समझ सकते हैं आप मेरी प्रॉब्लम्स को आजकल, क्योंकि मुझे तविशी को भी टाइम देना है, मैं बता चुकी हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, पहले तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।